हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स और जानेंगे कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में। तो अगर आप कोई भी डिटेल्स मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो लास्ट वीक निफ्टी अराउंड 3.4%, सेंसेक्स अराउंड 3.7% और बैंक निफ्टी में हमें मोर देन 7.5% का एक रैली देखने को मिलता है। इवन ब्रॉडर इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी 100 अराउंड 3.46% बढ़ा है और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में हम रेस्पेक्टिवली अराउंड 4.3 और 3.75% का एक अपसाइड यहां पे देख सकते हैं। इवन अगर बात करें तो सेक्टोरल बेसिस पे हमें वीकली यहां पे PSU बैंकिंग सेक्टर में ऑलमोस्ट 7% का एक अपसाइड देखने को मिलता है और इवन आप यहां पे रियल्टी और ऑटो सेगमेंट में अराउंड 6.7% और 5% का एक अपसाइड यहां पे देख पाएंगे। अभी यहां पे अगर बात करें तो रियल्टी सेक्टर में आपको एक स्पेकुलेशन करने से अवॉइड करना है क्योंकि यहां पे जो लॉकडाउन आगे कंटिन्यू रहने वाला है उसके वजह से हमें रियल्टी सेक्टर में आगे भी डिमांड में एक कमी दिखाई दे सकता है। इवन ऑटो सेक्टर में अगर आपकी करंट होल्डिंग है तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहां भी आपको फ्रेश एंट्री लेने से करंटली अवॉइड करना है। इवन अगर बात करें तो मेटल सेक्टर में आपको करंट सिनेरियो में अपने होल्डिंग्स को यहां पे होल्ड करना है और इनकेस अगर आप इसमें नई बाइंग के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आपको यहां पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इवन यहां पे फार्मा सेक्टर में भी सेम स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, यानी आप एपीआई सेगमेंट में बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। यहां पे आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत अपसाइड देखा गया है तो जिन लोगों ने पिछले हफ्ते जो इसमें डिप्स आई थी उन्होंने उसमें बाइंग किया है, उसमें उन्हें ऑलमोस्ट 3-5% का एक रैली यहां पे देखने को मिलता है। तो आप ऐसे ही एक स्ट्रेटजी को इस करंटली आईटी सेगमेंट में फॉलो कर सकते हैं और करंट आपकी जो होल्डिंग्स है उन्हें आप यहां पे थोड़ी बहुत बढ़ाने के बारे में कंसीडर करें। इसके बाद अगर देखा जाए तो निफ्टी अपने डेली कैंडल्स पे यहां पे एक बुलिश ट्रेंड में हमें दिखाई देता है। बोलिंजर बैंड का जो हायर साइड है यानी हायर बैंड पे ये हमें 15,180 के ऊपर करंटली देखने को मिलता है। इवन अगर बात करें तो इसका जो मिड लाइन है तो इसके ऊपर करंट हमें एक क्लोजिंग देखने को मिलता है और इसके मुताबिक अगर हम ऑप्शन चेन को फॉलो करते हैं तो यहां पे पुट साइड में हमें 15,000 के लेवल्स पे यहां पे आउट ऑफ द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहां पे ऑप्शन चेन में देखने को मिलता है। तो ये लेवल हमारे लिए नेक्स्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और अगर बात करें तो इस लेवल पे यानी 15,000 के स्ट्राइक पे हमें कॉल साइड में आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पे अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पे अनवाइंड हो रहा है और अगर कॉल साइड पे हम हायर स्ट्राइक पे देखते हैं तो यहां पे आउट ऑफ द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें 15,500 पे एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहां पे देखने को मिलता है। करंटली इस लेवल पे अराउंड 58,710 कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हमें देखने को मिलता है। सो इन केस निफ्टी 15,200 के लेवल को रिक्लेम करता है और इसके ऊपर डेली बेसिस पे हमें कोई क्लोजिंग दिखाई देती है तो आप अगला रेजिस्टेंस यहां पे 15,500 के ऊपर यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। इवन अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में एक शार्प अपसाइड पिछले कुछ पीरियड में देखा गया है और इसे भी अगर कंसीडर किया जाए तो यहां पे 34,000 का यहां पे सस्टेन होना यहां पे काफी बड़ी क्रूशियल बात हो सकती है और इसे अगर देखा जाए तो 34,000 पे हमें आउट ऑफ द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां पे 34,134 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई देता है तो ये लेवल हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह वीकली बेसिस पे काम कर सकता है। इन केस अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप नीचे के लेवल्स पे 33,500 को एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं
और क्योंकि इस लेवल पे हमें इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पे कॉल्स अनवाइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके होने की उम्मीद काफी कम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इवन और बात करें तो आउट ऑफ द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें करंटली 35,000 पे अराउंड 46,741 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई देता है। सो इन केस अगर बैंक निफ्टी 34,500 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो वीकली बेसिस पे अगला रेजिस्टेंस आप 35,000 के ऊपर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। और इन सब के बाद अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स के ऊपर, तो हम यहाँ पे Q4 रिजल्ट्स का जो लास्ट डिक्लेरेशन वीक है वहां पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हमें लास्ट वीक आयुषमोटर सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, BPCL, डिविस लैब, बैंक ऑफ बड़ौदा, बारबेक्यू नेशन, इंडिया सीमेंट्स, जेके पेपर, एल्केम लैबोरेटरीज, एस्ट्राजेनेका फार्मा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इमामी, थर्मेक्स, TTKF प्रेस्टीज, बजो पेंट्स, बर्गर किंग, क्यूमिंस इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इन्फीबीम और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जैसे कुछ बड़े कंपनीज का Q4 रिजल्ट पब्लिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे वीकेंड में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जबरदस्त Q4 रिजल्ट पब्लिश किया है, तो अगले हफ्ते यानी कल से आपको इसमें एक शार्प अपसाइड इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है। तो आप अगर चाहें तो इस स्टॉक में एक पोजिशनल व्यू लेते हुए इसमें अपना थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको इंट्राडे में भी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन और बात करें तो कोविड केसेस के ऊपर, तो लास्ट कुछ पीरियड से, लास्ट 6 डेज से हमें डेली केस काउंट लेस देन 3 लाख यहाँ पे देखने को मिलता है, और इवन हम एक्टिव केसेस को यहाँ पे लेस देन 30 लाख के मार्क के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, और इसके अलावा यहाँ पे जो रिकवरी रेट है वो भी यहाँ पे काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है, जो कि प्रीवियस डे 87.25% से बढ़ते हुए हमें 87.76% तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो FIIs और DIIs ने यहाँ पे मार्केट को संभाला है। FIIs के साइड से हमें लास्ट वीक नॉमिनल अराउंड 1753 करोड़ का एक नेट सेल ऑफ देखने को मिलता है, और यहाँ पे मंथली बेसिस पे हम FIIs की साइड से अभी तक 10,467 करोड़ का एक नेट सेलिंग यहाँ पे ऑब्जर्व कर चुके हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs ने लास्ट वीक 1318 करोड़ का नेट बाइंग किया है, और अगर मंथली बेसिस पे देखा जाए तो अब तक यहाँ पे DIIs ने 22.972 करोड़ का एक नेट बाइंग हमें करते हुए देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट को 15,000 के ऊपर सस्टेन करना है तो बोथ FIIs और DIIs के साइड से नेट इनफ्लो आगे होना जरूरी है, और उस केस में यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर थोड़े थोड़े क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे शॉर्ट टर्म के व्यू को लेते हुए आगे कंसिडर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो इंडियन रूपी यहाँ पे डॉलर के मुकाबले काफी दिनों के बाद 73 के लेवल्स के नीचे आ चुका है, और करेंटली फ्राइडे को इसने 72.8 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इवन US डॉलर इंडेक्स करेंटली 90.03 के करीबन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे जो दूसरे इमर्जिंग कंट्रीज के करेंसी है उसमें थोड़ी बहुत यहाँ पे स्ट्रेंथ आप लौटता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक यानी कल से अगर इंडियन रूपी 73 के नीचे अपने आप को सस्टेन करता है और FIIs और DIIs थोड़ी बहुत बाइंग करते हैं, तो आपको निफ्टी में 15,200 के ऊपर एक क्लोजिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर बात करें तो वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडियन विक्स यहाँ पे पिछले कुछ पीरियड से 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसके वजह से मार्केट में ये बुलिश मोमेंटम आपको कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। और फाइनली अगर बात करें तो कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स के ऊपर, तो आपको कुछ डिविडेंड पे आउट्स नेक्स्ट कुछ पीरियड में देखने को मिलेगा, और AGM मीटिंग में आप सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का एक AGM मीटिंग आगे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन ट्राइडेंट का एक AGM मीटिंग यहाँ पे होने वाला है, और बायबैक प्रोग्राम्स में आप वेलस्पून इंडिया का एक बायबैक प्रोग्राम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
और डिविडेंड पेआउट्स में आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनेंस की ओर से यहाँ पे अगले कुछ दिनों में 9 रुपए का एक डिविडेंड पेआउट हो सकता है, और इवन यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS की ओर से हमें एक 15 रुपए पर शेयर का एक डिविडेंड पेआउट 25 मई को होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसे आप अभी फ्री में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप प्लान के डिटेल्स आपको नीचे ही देखने को मिलेंगे, जहां पे हम आपके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आपका एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और आपको वहां पे बिना कोई स्पेकुलेशन के बेसिस पे वहां पे स्विंग पोजिशनल और मल्टीबैगर स्टॉक्स के डिटेल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करें अगर आपको उन सब डिटेल्स के बारे में जानना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।